चलो साहब, वो लगता है अच्छे दिन अब गए। अब शहंशाह इसके कहने का मतलब है कि राजपुताने के अच्छे दिन गए। वो देखिए, नासिर हमारी जीत का जश्न मना रहा है। वहां देखिए, चलिए खान बाबा। जी शहंशाह, मेवाड़ी फौज ने कहीं तोपों के साथ हमला तो नहीं बोल दिया किले पे? पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हुजूर, मेवाड़ की पूरी फौज हमारे तरफ बढ़ रही है। क्या? रोको उसे। हाजी खान जी, यही वो मुगल है जिन्होंने आप सबकी स्वतंत्रता छीनी है। ये आपके दोषी है, दंड भी आप ही लोग दीजिए इन्हें। बात करना है तो कुंवर प्रताप का कीजिए, क्योंकि इन्होंने आप सबको आजाद करवाया है। कुंवर प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवर प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवर प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवर प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये राजकोष है ना अलवर का, लाओ इसकी चाबी। कौन होते हो तुम चाबी मांगने वाले? हम नहीं देंगे तुम्हें चाबी। यही सबसे बुरी आदत है तुम्हारे शहंशाह की, सदा दूसरों की संपत्ति को स्वयं की बताने लगता है। तुम सैनिक हो, तुम्हें उसकी आदत से बचना चाहिए। चाबी दो। नहीं। प्रताप सिंह नाम है हम, मेवाड़ के राणा उदय सिंह जी के पुत्र, मेवाड़ के राजकुमार और मेवाड़ की सेना के मुख्य सेनापति। आदर्शहीन और बिगड़े हुए शहंशाह के लिए मरना उचित लगता है आपको? तो बोल दीजिए अपने सैनिकों से,
कि चुपचाप हथियार डालकर हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दें। को युद्ध बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाए। हाजी खान जी, जैसे आप अलवर पर पहले न्यायपूर्ण राज कर रहे थे, वैसे ही फिर से पूरे सम्मान के साथ राज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने और राणा उदय सिंह जी ने अपना वादा निभाया, इसके लिए जिंदगी भर मैं आप सबका शुक्रगुजार रहूंगा। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। पधारिए हाजी खान जी। कुंवर प्रताप, अब इसके पश्चात कहां? दाजीराज ने अजमेर विजय के लिए योजना बनाई है, वही होगा हमारा अगला लक्ष्य। हमारे गुप्तचरों के अनुसार अकबर ने अजमेर किले की सुदृढ़ रूप से किलेबंदी करवा रखी है, क्योंकि संभवतः वो भी जानता है कि अजमेर किले पर अपना अधिकार हमारे लिए और मुगलों के लिए दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब अगर हमारे सैनिक लड़ने के लिए दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से भीषण रक्तपात होगा। हमारे सैनिकों पर पहले से तैनात मुगल सैनिक अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्राणघाती आक्रमण करेंगे। हम तो समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? हम क्या अजमेर के दुर्ग पर आक्रमण ही ना करें? बिल्कुल आक्रमण करेंगे कुंवर प्रताप, निश्चित रूप से आक्रमण करेंगे, किंतु आक्रमण करने से पहले आप उनके समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। क्या? होशियार, खबरदार, निगाहें निगू, सल्तनत मुगलिया, बादशाह हिंद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन, 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 शहंशाह जलालुद्दीन। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है जो उसने हमारे लखते जिगर को सही सलामत फतेह आप करके हमें लौटा दिया है। कुंवर प्रताप, किले के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे। जैसे ही आप मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे, सारे सैनिक आपको घेर लेंगे। तब आप उनसे कहेंगे कुंवर प्रताप कि आप दुर्ग के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी के समक्ष, जिसे अकबर ने दुर्ग की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। ये सुनते ही उन सब में तीखा वाद विवाद शुरू हो जाएगा। उस समय आप शांत और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चुपचाप वहां पर खड़े रहेंगे। अंत में मुगल सैनिक आपको निशस्त्र दुर्ग के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप
उस सुरक्षा अधिकारी के पास दुर्ग के दरबार में पहुंच जाएंगे। हम आपको दो विकल्प देते हैं। एक, हमें बंदी बनाकर बंदी गृह में डालकर सब के सब मारे जाए, और दो, हमारे सामने आत्मसमर्पण कर सब के सब जीवित रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हौसला तो देखो इस बेवकूफ लड़के का। हमारे ही सिपाहियों के बीच घिरा हुआ है और हम ही से अपने हथियार डालने के लिए बोल रहा है। जितना आप समझ रहे हैं उतने मूर्ख नहीं हम। प्रताप सिंह नाम है हमारे सैनिकों द्वारा ये दुर्ग घेरा था। जहां देखेंगे वहां राजपूत सैनिक ही देखेंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इन सब का श्रेय जाता है आपके उस शहंशाह, जिससे लड़ने के लिए राजपुताने के सभी रियासतों ने हमारे साथ हाथ मिलाया। यदि विश्वास नहीं होता तो लीजिए अपना अश्व और कराइए निरीक्षण। एक विशाल सेना के साथ हमारे दाजी राज राणा उदय सिंह जी आगरा लौट रहे उस मुगल के पीछे गए। तुम झूठ बोल रहे हो। 2020 यही तुम्हारे सैनिकों की संख्या है ना दुर्ग में? हाँ। क्या हम आप लोगों को इतने मूर्ख दिखते हैं जो अकारण ही आत्मसमर्पण कर आत्महत्या के लिए निशस्त्र आप लोगों के सामने खड़े हो जाए? इसलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि आप लोगों के पास बस दो विकल्प बचे हैं। या तो आप लोग हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दें, या फिर सेना सहित मरने के लिए तैयार हो जाए। हुजूर, हुजूर, गजब हो गया। मेवाड़ ने अलवर किले पर कब्जा कर लिया है। मुस्ताकी माफ हुजूर, ये बेहद जरूरी पैगाम लेकर आया हूँ। या अल्लाह, शुक्र है भाई। जितनी आवाज को दबा सकता है उतनी दबा कर बता। बहुत बुरी खबर है हुजूर, प्रतापपुर के सैनिकों ने इन तमाम किलों फिर से कब्जा कर लिया। सारे किले छीन लिए उस प्रताप ने हमसे। आपने अपनी शमशीर के जोर पर अलवर का किला सर कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह शहंशाह, आपके सूझबूझ और आपकी कुव्वत की तारीफ के लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। बड़ी अम्मी, इन किलों के फहरिस्त में आप अजमेर के किले का जिक्र करना तो भूल ही गई। अजमेर के किले को फतेह करने में तो हमने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी। तमाम राजपुताने में मुगल या सल्तनत और हमारे फौज का खौफ हमने इस कदर पैदा कर दिया है कि अब राजपुताने की कोई भी रियासत हमारे सामने सर उठाने की जरूरत तक नहीं करेगी। चुपचाप हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा कोई जीवित नहीं बच पाएगा। मतलब है इतनी मुश्किल से राजपुताने पर जो हमने मुगल का खौफ पैदा किया था सब मिट्टी में मिल गया। जलाल, आपसे कितनी ही सारी बातें करनी है सुननी है, मगर फिलहाल आप थके हुए होंगे। हमारी गुजारिश है कि आप थोड़ा आराम कर लें। आपसे कुछ खास गुफ्तगु करनी है बैरम खान, आप ठहरिए। कौन सी बुरी खबर छुपा रहे हैं आप? बुरी खबर? जब जलाल इतने खुश है तो क्या बुरी खबर हो सकती है आपके पास छुपाने के लिए? बताइए बैरम खान, क्या बात है? बेगम साहिबा,
शहंशाह इसलिए इतने खुश हैं क्योंकि उन्हें एक बुरी खबर का इल्म नहीं। किस खबर का इल्म नहीं है जलाल को? यही कि जो कुछ भी हमने जीता था सब कुछ गवा दिया। सारी रियासतें, सारे किले, सब कुछ गवा दिया हमने, कुछ भी नहीं बचा। और इतना सब कुछ जीतने के बाद हमारी बदनसीबी की शुरुआत हुई शहंशाह के खौफनाक मजाक से, जिसमें उन्होंने प्रताप की अम्मी जान जयवंता बाई के पास खून से सना हुआ एक कद्दू कुछ इस अंदाज में ढांक कर बतौर तोहफा भेज दिया कि वो नेक खातून उसे अपने बेटे का कटा हुआ सर समझ कर बेहोश हो गई। परवरदिगार, ये सब क्या? खैर, जो कुछ भी हुआ इसकी खबर तो हमें शहंशाह को देनी ही पड़ेगी, आखिर वो बादशाह है हिंदुस्तान के। मां मंगा, आपको एहसास भी है इस बात का कि अगर जलाल को इस सच्चाई का पता चला तो उन पर क्या असर होगा? वो उसी वक्त आपका सर कलम कर देंगे। हम शहंशाह को आपसे बेहतर जानते हैं मां मंगा, और हम ये भी जानते हैं कि ये बात छुपाकर हम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। हमें इस खतरे में शरीक होने का कोई शौक नहीं है बैरम खान। हम अभी के अभी जाकर सारी सच्चाई शहंशाह को बताएंगे। ठीक है, बता दीजिए, जाइए बता दीजिए, शौक से बताइए, लेकिन जाने से पहले ये बात जान लीजिए कि हमने जो कुछ भी किया है शहंशाह को बचाने के लिए किया। जलाल शहंशाह हिंद होने के साथ साथ एक निहायत ही गर्म मिजाज नौजवान है, जरा जरा सी बात पे अपनी जान हथेली पे लेकर निकल पड़ते हैं। मौत का जरा सा भी खौफ नहीं है उनमें। प्रताप को मारने के लिए न जाने कितनी बार उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी, और हमने बमुश्किल उन्हें कितनी बार मौत के मुंह से निकाला है। अब हम आपको और लड़ने नहीं दे सकते। लो इसे, अब हमसे नहीं होता, हम थक चुके हैं, नहीं होता अब हमसे। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि जैसे ही उन्हें सच्चाई के बारे में पता चलेगा वो अपनी तलवार म्यान से खींचेंगे और निकल पड़ेंगे चित्तौड़ की ओर प्रताप को मारने के लिए। क्या आप ये चाहती हैं? क्या हम शहंशाह हिंद की जान इस तरह खतरे में डाल सकते हैं? जवाब दीजिए महामंगा। क्या आप ये चाहती हैं? क्या हम शहंशाह हिंद की जान इस तरह खतरे में डाल सकते हैं? जवाब दीजिए महामंगा। बहराम खान सही कह रहे हैं महामंगा, बेहतर इसी में है कि ये खबर इस वक्त जलाल को ना दी जाए। चाहे जो भी हो, हम जलाल की जान पे किसी भी तरह का खतरा नहीं आने देंगे। हाँ मंगा, हम वादा करते हैं तुमसे, हम खुद सारी सच्चाई जलाल को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्रताप से निपटने की मुकम्मल तैयारी तो कर लेने दीजिए। ऐसी तैयारी प्रताप हमारे हाथों से बच पाए, लेकिन तब तक हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं, शहंशाह की सलामती के लिए, सल्तनत मुगलिया की सलामती के लिए, यह खबर हमारे अलावा आप दोनों तक ही महदूद रहे तो बेहतर होगा।
प्रताप की। आओ जी राज प्रताप की। कुंवर प्रताप, सच कहें, आज इस पवित्र क्षण से पहले किसी ने सोचा होगा कि इतनी कम आयु में आपने अपने पराक्रम से, अपनी सूझबूझ से, अपने साहस से ना केवल बड़े बड़े युद्ध जीते हैं बल्कि मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार भी कर पाए हैं। अजमेर के मेवाड़ में आ जाने के बाद ना केवल राजपूताने के भीतर से बल्कि राजपूताने के बाहर से भी कोई भी मेवाड़ की प्रभु सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस करेगा ही नहीं। नहीं रावजी, अजमेर मारवाड़ का भी अंग था, इसलिए मारवाड़ का ही भाग रहेगा। मेवाड़ का ध्वज तो बस जब तक मारवाड़ की सेना नहीं आ जाती तब तक के लिए लगाया, मात्र सुरक्षा की दृष्टि से। परंतु सीमा विस्तार का इससे अधिक उपयुक्त अवसर कदाचित ही आपको फिर से मिल पाएगा। क्यों ना मिलाएं हम अजमेर को मेवाड़ में, क्यों ना बढ़ाएं हम मेवाड़ की सीमाओं को। किया तो सब कुछ आपने ही है ना, इससे पहले भी आपने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर मारवाड़ को राजा मालदेव से जीता था और फिर उन्हीं को लौटा दिया था। परंतु अजमेर, अजमेर को तो आपने मुगलों से छीना है। राजा मालदेव तो इसकी आशा भी छोड़ चुके थे, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। राव जी, हम अपने मातृभूमि प्रेम को निजी अवसरवाद में नहीं बदल सकते। जो कुछ हमारा नहीं होता हम उसे लेते हैं और जो हमारा होता है हम उसे किसी को लेने देते हैं। वाह कुंवर प्रताप वाह, अगर हम अपने बलबूते पर इतना बड़ा दुर्ग जीतते तो पता नहीं इतना बड़ा त्याग कर पाते या नहीं। आज हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप। बड़े दादा, यदि आप कहें तो हम बात करें कुंवर प्रताप से। हम उनसे सम्मान सहित कह देंगे कि हमारे बड़े दादा का अजमेर उनसे मत लीजिए और हमें पूरा विश्वास है कि कुंवर प्रताप मानेंगे हमारा आग्रह। बड़े दादा, आप चुप क्यों हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपका इस चिंता में देखकर हम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। हम आपको ऐसी चिंता में नहीं देख पा रहे बड़े दादा, कुछ तो कहिए। भूल, ये राज्य और राजनीति से जुड़ी हुई बातें हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। इसके पीछे छिपी हुई गहराई, यदि आप कुंवर प्रताप के पास जाकर मारवाड़ की राजनीतिक हितों के लिए निवेदन करेंगे तो हो सकता है ये आपके बड़े दाता की निर्बलता का संकेत समझा जाए। हुकुम, अम्मागणी हुकुम, हमारी सेना अजमेर को कूच करने के लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। क्यों दें हम ऐसी राजाज्ञा, क्यों भेजें हम हमारी सेना अजमेर प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने? नहीं हुकुम, कुंवर प्रताप ने मुगलों को पराजित करते ही सबसे पहले यही घोषणा की है कि अजमेर पर मारवाड़ का ही प्रभुत्व रहेगा। बड़े दादा देखो, हम जानते थे कुंवर प्रताप अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकते। उसके जैसा विशाल हृदय वाला आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे मन में जितनी भी आशंकाएं थीं वे सारी की सारी निराधार थीं। यानी हम सचमुच उन्हें समझ नहीं पाए। या ये कहें कि फूल कितनी गहराई से समझती है कुंवर प्रताप को। देखिए, देखिए कैसे लाली आ गई है इनके मुख पर। राजा जी, अब तो आप आभार संदेश भेज ही दीजिए जिसमें कुंवर प्रताप और फूल के विवाह का भी आग्रह हो। हमें कुंवर प्रताप अच्छे लगता, अच्छे लगता, हम मन से कह रहे हैं हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लगते हैं। हम जानते थे जब से कि आप ही जीतेंगे, बधाई हो। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ सकता है? नहीं, हम नहीं चाहते कि कुंवर प्रताप के समक्ष कोई भी हमारे विवाह की बात करे।
जो अध्याय समाप्त हो चुका उसकी चर्चा करके क्या रहा? कर दिया ना आपने हमारी फूल का मन दुखी। हमने आपसे कितनी बार कहा है कि उस विषय पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिस विषय को सुनने के बाद हमारी फूल का मन दुखी होता, किंतु आप जानबूझकर उस विषय पर बार बार चर्चा करती हैं। क्षमा कर दीजिए राजा जी, लेकिन हमारा उद्देश्य फूल के मन को दुखी करना नहीं था। विवाह का विषय हमने दो कारणों से आपके सामने रखा था। पहला कारण तो आपके सामने ही कि आज भी फूल के मन में कुंवर प्रताप के लिए वही भावनाएं जो पहले थी। और दूसरा कारण? कुंवर प्रताप की शक्ति और लोकप्रियता में आश्चर्यजनक वृद्धि। आज बहुत छोटे हैं कुंवर प्रताप, पर जिस गति से उनकी लोकप्रियता और शौर्य बढ़ता जा रहा है, भविष्य में संभव है कि उनका वर्चस्व राजपुताने में ही नहीं समूचे भारत में फैल जाए। तब आपका उन पर और मेवाड़ पर विजय का सपना कठिन ही नहीं असंभव हो सकता है। इसलिए हमें यही उचित लगता है राजा जी कि उनको किसी भी तरह से अभी से अपने साथ मिला लिया जाए। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि फूल के साथ विवाह करवा कर हम प्रताप को पहले से ही अपनी छत्रछाया में ले लें और भविष्य के लिए अपनी स्थिति को और भी मजबूत और सुदृढ़ बना लें। राजा जी, ये मात्र हमारी राय, अगर आपको उचित लगे तो इस पर ध्यान दें। राजनीति भी यही कहती है और कूटनीति भी यही कहती है, यदि आप किसी को जीत ना सको तो उसे साम दाम दंड भेद से अपना बना लो। उमा देवी जी, आप अपनी बहन को संदेशा भिजवा दो कि वे वहां चित्तौड़ के महलों में विवाह के विचार को मूर्त रूप देने में जुट जाएं। रेत उतनी गर्म क्यों नहीं है जितनी हम चाहते हैं? इससे भी ज्यादा गर्म रेत बिछाओ। जलाल, रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इस तरह तो आपके पांव जल जाएंगे जलाल, और ये सब करके बराए मेहरबानी अम्मी जान इस मामले में दखल मत दीजिए। ये हमारे रियाज और तालीम का मसला है, और एक बादशाह के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने खाली वक्त का इस्तेमाल मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किलात और खतरों के लिए खुद को तैयार करने के लिए करें। ये
ये तपती रेत पे चलने की मशक हमारे पैरों को वो ताकत देगी जिसकी मदद से एक दिन हम पूरे राजपुताने को फतेह करेंगे और उसे भी मुगल सल्तनत का हिस्सा बना लेंगे। जो निशाने मुगलिया हमने अजमेर और अलवर के किले पे लगाया है, हम चाहते हैं कि एक दिन राजपुताने की तमाम रियासतों के किले पे हमारा ही निशान मुगलिया जलवा अफरोज, खासकर मेवाड़ के महलों पे हमारा निशान, चित्तौड़ के किले पे निशान मुगलिया। आपको हराने के जुनून में मानो जलाल दीवाने हो गए हैं। हमें तो बहुत डर लग रहा है ये सोचकर के जब उन्हें इस बात का इल्म होगा कि उनके यहाँ आते ही प्रताप ने वो इस वक्त जरूरत है शहंशाह के ख्यालात को एक खूबसूरत मोड़ देने की। मलिका यालिया, हम आपका इशारा नहीं समझे। हमारे कहने का मकसद बिल्कुल साफ है। शहंशाह के जवानी के जोश को कुछ देर के लिए जंग और बदले से हटाकर जिंदगी के दूसरे खुशनुमा रास्तों पर डाल दिया जाए तो यानी मलिका आलिया, हम रुकैया बेगम के बारे में सोच रहे थे। अब हम आपका इशारा समझ रहे हैं। फौरन रुकैया को आगरा बुलवा लेते हैं। रुकैया के बारे में उनकी खूबसूरती, उनके हुस्न तहजीब याफ्ता तरबियत और ज़हनियत के बारे में हमने जो कुछ सुन रखा है, हमें पूरा यकीन है कि वो जलाल के ख्यालों को एक खूबसूरत मोड़ देने में कामयाब रहेगी। महारानी साहब, महारानी साहब, बाजी राज प्रताप और राणा जी चित्तौड़ की सीमा तक पहुंच गए हैं। अब कुछ ही घंटों में हमारे दुर्ग तक पहुंच जाएंगे। हमें पता था गिर जाएगी, हमारे प्रताप को कुछ नहीं होगा। चलिए उनके स्वागत के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर लें। महारानी साहब, आप बहुत दुर्बल हैं। आप शैया से क्यों उठ गई? आपको विश्राम करना चाहिए। हमें बताइए क्या करना है। जब कुंवर प्रताप घायल होने के उपरांत भी रणभूमि में शत्रुओं से लड़ सकते हैं, तो क्या हम साधारण शारीरिक दुर्बलता के चलते उनके स्वागत की तैयारियां नहीं कर पाएंगे? चलिए चलिए। सर्वप्रथम राणा जी का कक्ष सुव्यवस्थित करना है। वहाँ के सभी पर्दे और चादरें बदलकर नए पर्दे और चादरें बिछवानी है। राणा जी के स्नान के लिए स्नानागार में गर्म पानी सुगंधित अत्र मिलाकर रखवाना है। प्रताप के आखाड़े की मिट्टी नई बिछवानी है और मंत्रणा कक्ष में राणा जी से मिलने वाले सामंतों की सूची लगवानी है। हम ठीक है। का कक्ष तो पहले से ही तैयार है। गिर जाए जी। जी महारानी। किसने किया ये सब?
सुनो, ये थकान मिटाने वाला तेल राणा जी के स्नान के गर्म जल में मिला देना। जीजा, खम्मा गनी जीजा, अब आपकी तबीयत कैसी है जीजा? पहले से ठीक है। ये सब हम जानते थे, आप यही सब व्यवस्थाएं चाहती थी ना जीजा, तो हमने सोचा हम ही कर देते हैं ताकि आपको विश्राम करने के लिए थोड़ा समय और मिल सके। हमसे कोई भूल हो गई, कुछ अनुचित कर दिया हमने? कुछ भी सही नहीं, कुछ भी राणा जी की रुचि अनुसार नहीं है। तीर भाई जी, सब कुछ वैसा ही किया गया है जैसा आज तक होता आया है। वो बहुत दिनों से राणा जी का कक्ष नहीं देखा ना अपने दिन में, इसलिए समझ नहीं पा रहे। तीर भाई जी की बातों का बुरा मत मानिए। कहिए, ये सब इतना अच्छे से करने के लिए क्या भेंट चाहती हैं आप हमसे? नहीं जीजा, हमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसके लिए भेंट कैसे? आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम बहुत प्रसन्न हैं। कहिए, क्या भेंट दें हम आपको? जीजा, अगर अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम कुंवर प्रताप को विजय तिलक कर सकते हैं? अच्छा रहा मामला जी, एक और साहसिक अभियान हमने एक साथ पूरा किया। चुनौती भरे समय में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां से बिजोलिया का रास्ता उस ओर है और चित्तौड़ का इस ओर। मामला जी, हंसा मासी जी को हमारा सादर प्रणाम कहिएगा। राणा जी, एक प्रार्थना है। प्रार्थना क्या रहा मामला जी? अधिकार से कहिए, क्या बात है? अधिकार तो मेवाड़ की धरती पर केवल मेवाड़ नरेश के पास सुरक्षित रहता है, पर आपका स्नेह देखकर आपको एक निवेदन करने का साहस कर रहा हूं। क्यों ना आप आज रात बिजोलिया में विश्राम करें? कल देवी माँ का वार्षिक उत्सव है, देवी माँ की आरती करके उनका आशीर्वाद लेकर आप चित्तौड़ लौट जाए, उस बहाने हमें आपका आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब वो मामर जी, हम इस समय बिजोलिया नहीं जा पाएंगे, क्षमा कीजिए दाजीराज, वो हमें अपनी रानी माँ के पास जाना है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कुंवर प्रताप, आपकी रानी माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अलवर पहुंचने से पहले हम उनसे मिले थे कुलदेवी के मंदिर में। किंतु दाजीराज, पता नहीं रानी माँ से मिलने के लिए हमारा मन क्यों इतना छटपटा रहा है। आप हो आइए ना बिजोलिया, हम सेना को लेकर चलते हैं चित्तौड़। दाजीराज, सेना को चित्तौड़ ले जाने के लिए हम हैं ना, आप निश्चिंत रहें। हाँ रावत जी, वैसे भी अपनी सेना के साथ हम कुंवर प्रताप को कभी ना भेजें, कहेंगे चित्तौड़ और पहुंच जाएंगे अकबर का पीछा करते करते आगरा। दाजीराज, राव मामला जी, आपके निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, हम चलेंगे आपके साथ बिजोली। चलिए कौन प्रताप। इस समय जब अकबर चारों ओर से राजपुताने को घेरा, हमारी धरती आपसे आपकी भावनाओं का बलिदान मांग रहे हैं। यहाँ भी अजब दे, आपको हमारा ही बलिदान दिख रहा, आप भी तो बलिदान दे रही हैं अजब दे। कुंवर प्रताप, हाँ? आप हमारे साथ बिजोलिया चल रहे हैं या नहीं?
कौन प्रताप? कौन प्रताप? आप हमारे साथ बिजोलिया चल रहे हैं या नहीं? चलते हैं रावत जी। जय एकलिंग जी राणा जी। जय एकलिंग जी। चलो। क्या हुआ भाई साहब? पता नहीं हमारे हृदय क्यों अचानक इतना धड़क रहा है। वीर भाई जी, जी छोटी जीजा, आप लोग जाइए। हमने सुना कि आप कुंवर प्रताप और राणा जी का विजय तिलक करना चाहती हैं। नहीं जीजा, हम तो केवल कुंवर प्रताप का विजय तिलक करना चाहते हैं। कुंवर प्रताप का क्यों, आप राणा जी का भी तिलक कीजिए ना। ऐसे भी हमारा कोई स्थान रह नहीं रहा। आप नहीं हैं तो आपने स्वयं को इस महल का सर्वोच्च भविष्य मान लिया है। नहीं, हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है छोटी जीजा। छोटी जीजा मत कहिए हमें। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, चैवन तबाही इस महल की बड़ी महारानी है, पर राणा जी के मन पर हमारा शासन चलता है और चलता रहेगा। और जिस कुंवर प्रताप की आप विजय आरती उतारना चाहते हैं, वे सिर्फ अपनी छोटी मासा की सुनते हैं। इसलिए यदि आपको ये लगता है कि जयवंत अबाई जी के आगे पीछे होकर या उनकी हाँ में हाँ मिलाकर आप हमारे सामने कभी तन कर खड़ी हो पाए, तो हम बता दें आपको, ये बात आपका कभी ना पूरा होने वाला दीवा स्वप्न है। बीबाई जी, ऐसा दुस्साहस, अभी अभी आपको इतनी सारी बातें की, उसे कम इतना तो समझ जाइए कि आपको हमारे पीछे खड़े होना है। हाँ, हमारे पीछे चलिए। गौर प्रताप की जय! गौर प्रताप की जय! गौर प्रताप की जय! राणा जी और कुंवर प्रताप का है। अरे बीरबाई जी, आपने तो कहा था कि आप आरती करना चाहती हैं। ओ जीजा, फिर हमने सोचा कि हम छोटे हैं, धीर भाई जी बड़ी है, यदि वो आरती करेंगी तो अधिक उचित होगा। घणी खम्मा राणी सा, घणी खम्मा। राणा जी और कुंवर प्रताप कहाँ हैं? रानी सा, उन दोनों को राव मामरख जी आदर सहित एक दिन के लिए बिजोलिया ले गए। बिजोलिया? शुभ समाचार है, अब मेवाड़ और बिजोलिया के बीच जो भी बची कुची खटास है वो भी मिट जाएगी। वैसे भी राव मामरख जी हंसा और अजबदे के मन में मेवाड़ के राजघराने के लिए बहुत आदर है, विशेष रूप से प्रताप के लिए। विजय के साथ साथ ये भी बहुत शुभ समाचार लाए हैं आप रावत जी। हीरबाई जी, मेवाड़ की विजयी सेना और शुभ समाचार के साथ आए रावत जी, आरती उतारिए इनकी। कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। अब समझ में आया आपका हृदय क्यों इतनी जोर जोर से धड़क रहा था। आ,
चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। इस समय जब अकबर चारों ओर से राजपुताने को घेर रहा है, हमारी धरती आपसे आपकी भावनाओं का बलिदान मांग रही है। यहाँ भी अजब देख, आपको हमारा ही बलिदान दिख रहा है, आप भी तो बलिदान दे रही हैं अजब देख। चुप हो जाइए, बोलने से पहले सोच लिया करिए। कब आ रहे हैं? किसी भी सड़क पर ढाल सकते हैं महल। अच्छा, तो फिर हमें यहाँ से जाना होगा कहीं। सौभाग्यवती को संदेश भेज दिया ना कि हम उनके यहाँ आ रहे हैं? जी भाई जी, भिजवा दिया। ठीक है, अब आप सब जाइए। अजय, जा रही हैं क्या? आपको पता है ना, कुंवर प्रताप और राणा जी पधार रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारियां नहीं करनी है आपको? ये हम आ ही रहे थे आपके पास माँ, आपको बताने कि हम मंदिर जा रहे हैं। क्या मंदिर? क्यों? पंडित जी से मिलने? किंतु उन्होंने तो बता दिया था कि पूजा में क्या क्या सामग्रियां चाहिए। अच्छा, सब बता दिया, फिर हमारी क्या आवश्यकता है वहाँ जाने की? हे मामा! हाँ आजा। वर्मा, आप ही ने तो हमें कहा था ना नारियल लाने के लिए, हम जाएं? किंतु रमा ने तो हमें बताया था कि वो आप कली ले आई थी। मंदिर ही जाना था तो ये सामान क्यों बांध लिया आपने? बहुत पुराने बस से इकट्ठे हो गए थे हम, इसीलिए हम। कैसा विचित्र व्यवहार कर रही हैं आप अचिपते? अच्छा, ये सब छोड़िए, आप चलिए हमारे साथ, स्वागत तैयारियों में हमारा हाथ बटाइए, आइए। हाँ, आप चलिए हमारे आपके पीछे पीछे। ठीक है, किंतु शीघ्र आइएगा। हमने जो भी किया फूल के लिए किया, इसलिए जीत फूल की मानी चाहिए और अब आपको फूल से ही विवाह कर लेना चाहिए। हमें मिल चुकी है, और हमारे सामने खड़ी है। अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप के सामने न आने का निर्णय लिया है आपने, वैसे ही काफी कठिनाइयां पैदा कर चुकी हैं। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम फिर से कुंवर प्रताप के सामने नहीं आ सकते, उनसे इतने दिनों दूर रहने की हमारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। हे किरण जी, अब हम महल से बाहर कैसे निकलेंगे?
आपकी हार्दिक बधाई। लीजिए। रुकिए, आप महल में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या बात है समासी जी? पिछली बार आप जब यहाँ आए थे तब आपका स्वागत और मान मरवाड़ तो दूर, हम सच में हमें बहुत दुख है उस बात का। ऐसा मासी जी, हमारी रानी माँ सदा हमसे कहती थी कि बीती ताही विसार दे और आगे की सोच ले। इसलिए वास्तव में जो कुछ हुआ हम उसे कब का बुला चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप भी उसे बुला दें, क्योंकि हंसा मासी जी, इनका ना तो वर्तमान में कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही भविष्य में। इसलिए आप उसे लेकर कुछ मत सोचिए, भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाएं हम अपनी भूल को? उस समय हमने आपकी एक भी बात का विश्वास नहीं किया था। हम स्वीकार कर रहे हैं ना अपनी भूल मासी जी, बस एक बार हमें अयोध्या से मिलने लग दीजिए, हम उसे क्षमा मांगना है। कुंवर प्रताप, हमने आपसे कह दिया ना, नहीं मिलने दे सकते अयोध्या से आपको। हंसा जी, इसलिए तो कुंवर प्रताप दोबारा आए। स्वागत तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पिछली बार ये आपके हाथों के घेवर नहीं खा पाए थे, इसलिए वापस आए। हमें तो डर इस बात का है तो ये पिछली बार की कसर इस बार ना निकाले। देखो मैं बस आती हूँ। निर्मला, माँ को बोल देना हम आ रहे हैं। हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? वो दाजीराज, वो लक्ष्मी, लक्ष्मी से मिलने जा रहे हैं। चाहिए चाहिए, मिल लीजिए लक्ष्मी से। चलते हैं। अब एक बार ठंडे मन से सोच लीजिए, यदि अयोध्या अचानक सामने आ गई तो क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, देख लीजिए।
आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हमें तो लगा कि हमने सूखे पत्ते उठा लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम युद्ध के मैदान में थे और आप हमारे लिए कठोर व्रत कर रही थी? नहीं तो, किंतु हाँ, इतने लंबे युद्ध ने आपको अवश्य कुछ बलिष्ठ बना दिया है। चलिए, आज भी हमारे बीच की ये निरंतरता जीवंत है। आज भी हर बात पर हमारे दृष्टिकोण भिन्न रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा मंतव्य आपकी बात का विरोध करना नहीं था, सच। अच्छा, तो हम अभी सिद्ध कर देते हैं बात। जो हम कहेंगे आप ठीक उसका उल्टा बोलेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ है तो नहीं, किंतु आप करिए सिद्ध। हमें लगता है कि आप महल से चुपचाप छिपकर भाग रही थी। हमें नहीं पता कि आप कहाँ जा रही थी, किंतु आप महल से छिपकर भाग रही। क्या बात कर रहे हैं आप? भला हम अपने महल से क्यों भागेंगे? इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। देखा, हमने कहा था ना कि जैसा हम कहेंगे आप ठीक उसका उल्टा बोलेंगे, और देखिए हमने सिद्ध भी कर दिया। अब यदि आपको फिर भी संशय है तो आपकी खिड़की से गिरा आपका ये वस्त्र आपका संशय दूर कर देगा। छोड़िए इसे, और ये बताइए कि आप हमारे कक्ष के नीचे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ, हाँ वो वर्षा कितनी अच्छी हुई है ना, बस वर्षा ऋतु का आनंद उठा रहे थे। अच्छा, वर्षा ऋतु का आनंद, वो भी हमारे कक्ष के नीचे, महल के सामने, इतने बड़े हरे भरे उद्यान को छोड़ के हमारे कक्ष के नीचे। हे भगवान, अब हम क्या करें? माँ तो इधर ही आ रही है। ये सामान, ये वस्त्र, आप हमें क्या देख रहे हैं? हमारी सहायता करिए, इन्हें कहीं छुपाइए। फिर पहले आप स्वीकार कीजिए कि आप महल से छिप कर भाग रही। नहीं, आप भाग रही थी। नहीं, हाँ ना, हाँ हाँ ना ना ना। अजब दी, आप बोलिए, आप भाग रही थी, छिप कर भाग रही थी। इसमें ऐसा क्या था? ये तो हम भी कर सकते थे। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हम उसे वापस लेकर आते हैं, आप करके दिखाइएगा। अजब दी, सब लोग बैठक में जलपान के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए,